हाँ नमस्कार फ्रेंड, और स्वागत है एक नए ब्लॉग में आप सबका। और फ्रेंड आज मैं बताऊंगा कि विदेश कौन सी कंपनी में आना चाहिए, कौन सी कंपनी में फ़ायदा है, कौन सी कंपनी में नुकसान है। तो चलिए, उसके पहले अगर हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सप्लाई कंपनी और कंपनी, ठीक है। तो कंपनी में क्या फ़ायदा है, कंपनी देखो वो तो कंपनी है, ठीक है। उसमें क्या है, कंपनी में कभी भी आओ टेंशन नहीं है, कंपनी में तो फ़ायदा बहुत है। कंपनी में क्या फ़ायदा है ये भी बता दूँ, कंपनी का खुद का काम रहता है, ठीक है। और कंपनी में 10 घंटा, 12 घंटा, 15 घंटा ड्यूटी होता है, ठीक है। ओवर टाइम ज़्यादा रहता है कंपनी में, और फ्राइडे हॉलीडे ये सब भी लगता है। फ्राइडे हॉलीडे लगने से क्या फ़ायदा है, हम लोग का कमाई ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसके लिए कभी भी आओ तो कंपनी में बिंदास आओ, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि कंपनी, हाँ ये है कि अच्छा कंपनी देख के आओ कि टाइम टू टाइम पैसा मिल जाए, ठीक है। क्योंकि जितना हो सके ना पहचान के थ्रू आओ अपने, कि जैसे कोई जो कंपनी में काम कर रहा है वो कंपनी में आओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि पहचान में आओगे तो जो बंदे को सारा जानकारी रहेगा, ठीक है, तो पूरा डिटेल बता देगा आपको कैसी कंपनी है क्या है। तो ये थी कंपनी। और सप्लाई कंपनी के बारे में बता दूं आप सबको, सप्लाई कंपनी का खुद का कोई काम नहीं है, ठीक है। बस सप्लाई कंपनी कंपनी में बंदे लोग को भेजती है, वहाँ से घंटे के हिसाब से पैसा लेती है कंपनी, ठीक है। तो जबकि सप्लाई के बंदे जो कंपनी में काम करने जाते हैं ना, तो पहला नंबर तो मैं बता दूं कि काम जो है ना ज़्यादा काम करना पड़ता है। बताऊं क्यों, क्योंकि ये समझ लो कि जैसे मुंबई दिल्ली ये सब जगह पे नाके से आदमी लेके जाते हैं ना, तो सेम वैसा ही है। तो हम लोग घंटे के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो कंपनी के बंदे रहते हैं ना बराबर काम कराते हैं, ठीक है। 10 घंटा ड्यूटी है तो 10 घंटा जितना मतलब काम रहेगा कराएंगे, ठीक है। और कंपनी वाले से ज़्यादा सप्लाई के बंदे काम करते हैं, करना पड़ता है, ठीक है। और एक बात ये भी बता दूं कि सप्लाई कंपनी में खाली 10 घंटा ड्यूटी होगा, ठीक है। ओवर टाइम कोई ओवर टाइम नहीं है, बस 10 घंटा ड्यूटी करो बस चले आओ। ना फ्राइडे लगता है, ना हॉलीडे, कुछ भी नहीं, ठीक है। बस खाली 10 घंटा ड्यूटी होता है। तो इसके लिए सप्लाई कंपनी नहीं सही है, सप्लाई कंपनी में हम लोग की कमाई नहीं है। लेकिन अभी क्या है, जैसे कोई आ गया नहीं जानता था, जैसे मैं खुद सप्लाई कंपनी में हूँ तो मेरे को इंडिया में मतलब मालूम नहीं था सप्लाई कंपनी क्या होता है, कैसा क्या काम होता है, ये सब बारे में जानकारी नहीं था। तो मैं चले आया, अभी तो मेरे को 1 साल हो गया, और 1 साल में मैं कितने साइड पे जा चुका हूँ ये भी बता दूँ, कितना कितना दिन काम किया। तो जैसा कि पहला साइड मेरा था, ठीक है, तो 6 महीना वो साइड पे था, फिर दूसरे साइड पे 3 महीना, फिर अभी तो 2.5-3 महीना हो गया, और एक साइड पे और था, ठीक है। तो ऐसा ही कि सप्लाई कंपनी में है कि सप्लाई कंपनी में कभी भी कहीं पर भी भेज सकता है, ठीक है। कोई इसका गारंटी नहीं है कब अपना साइट फिनिश होगा, कब यहाँ से बोरिया बिस्तरा बांध के कब निकलना रहे, कहाँ जाना रहे, कोई गारंटी नहीं है भाई इसका, ठीक है। और सप्लाई कंपनी में एक बात ये भी बता दूँ, जैसा कि अब जैसे यूएई में हूँ ना, तो यूएई में सब जगह इसका काम चलता है, ठीक है। एलन, दुबई, शारजा, पुजीरा, अबू धाबी, हर जगह कोई ऐसा जगह नहीं है कि काम ना हो, हर जगह काम रहता है। तो कभी भी कहीं पर भी जैसे साइट फिनिश हो गया, और साइट का कोई गारंटी नहीं है, जब तक काम है जब तक रखेगा कंपनी, और जैसे ही काम नहीं है साइट फिनिश हो जाता है, ठीक है। तो और एक बात भी बता दूँ कि कभी भी आप लोग आओ तो कंपनी में आओ, और सप्लाई कंपनी में कभी मत आओ। और जो एजेंट भेजे या ऑफिस के थ्रू की मतलब किसके भी थ्रू आओ,
तो पूछ के आना कि सप्लाई कंपनी है कि कौन सी कंपनी है। सप्लाई कंपनी है तो बताना, क्योंकि तो बहुत ज़्यादा रिक्स है, बहुत ज़्यादा टेंशन है, ठीक है। तो क्योंकि कहीं पर भी कोई भी काम में भेज सकती है, काम नहीं रहेगा तो, अगर काम जैसे है जो जिसका जो काम है तो वही काम में भेजेगी, ठीक है। तो इसके लिए कभी भी आओ आप लोग तो सप्लाई कंपनी में मत आओ, क्योंकि सप्लाई कंपनी में बहुत ज़्यादा टेंशन है और सैलरी भी कुछ भी नहीं है, और कुछ बहुत बहुत नुकसान है। जैसा कि आप पूरा वीडियो तो देख ही लिए, सब मालूम पड़ गया होगा कि कमाई में कुछ भी नहीं है, घर ओवर टाइम वगैरह भी नहीं मिलता है, और एक जगह रह के काम भी नहीं करना पड़ता, इधर उधर दौड़, कहीं पर भी इसका कोई गारंटी नहीं होता है, कभी भी कहीं भी जा सकते हो। इधर साइड फिनिश हुआ तो जैसे अभी मैं यूई में हूँ, तो जैसे अभी यहाँ साइड फिनिश हुआ तो कहीं LN, कहीं दुबई, कहीं पर भी दे सकता है। ये है कि सप्लाई कंपनी का जो पकड़ रहता है ना, पूरे कंट्री में रहता है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका क्या सुझाव है, क्या विचार है, ठीक है, वीडियो कैसा लगा इसके बारे में। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।